आप देख रहे हैं भारत की रफ्तार 24। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा साठ चुनाव 2022 से निर्दलीय उम्मीदवार शहाबुद्दीन खान ने चुनाव में नामांकन पत्र वापस लिया व नाम वापस लेने के बाद सपा रालोद गठबंधन का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा साठ से निर्दलीय उम्मीदवार शहाबुद्दीन खान ने चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल किया था। शहाबुद्दीन खान की विधानसभा में पक के चलते कहीं ना कहीं साइकिल की रफ्तार पर असर के चलते सपा हाईकमान ने शहाबुद्दीन खान पर नजर डाली और शहाबुद्दीन खान को जनपद हापुड़ के रालोद समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति पर चयनित किया। सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ ने 27 जनवरी को पार्टी आलाकमान के निर्देशानुसार सपा रालोद गठबंधन से नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भारत की रफ्तार 24 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। पार्टी की तरफ से सर मुझे मेरे कार्य को देखते हुए पार्टी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष मैनकोटी का बनाया और मैं पार्टी का समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और जो पार्टी निर्देश देगी उसी कार्य पर मैं काम करूँगा। तो अभी पार्टी ने आपको क्या जिम्मेदारी दी है विधानसभा चुनाव को देखते हुए? अभी आज मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जिला उपाध्यक्ष की और जो पार्टी मुझे निर्देश देगी जो पार्टी की गाइडलाइंस होगी उसके ऊपर मैं करूँ। समाजवादी पार्टी से गढ़मुक्तेश्वर के जो प्रत्याशी हैं उनसे आपकी कुछ बात हुई है अभी कि चुनाव में आप उनका कितना सहयोग कर पाएंगे और उन्होंने क्या आपको विश्वास दिलाया है और आपने उनको क्या विश्वास दिलाया है कि आप यहाँ से उन्हें कितने मतों से विजयी बनाएंगे? देखिए समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं चौधरी रविंदर जी, मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि हुकुम अल्लाह का है, इंशाल्लाह पूरी जीत होगी, फुल बहुमत से जीत। अच्छा, तो अब जैसे आपको जो पद दिया गया है जिला उपाध्यक्ष का, इसके बाद जो है जो यहाँ के गढ़मुक्तेश्वर के जो प्रत्याशी है रविंदर चौधरी, तो आप उनसे मुलाकात करके आए? हाँ, मुलाकात हो गई है मेरी विधायक जी से और शाम को मेरी मुलाकात होगी। वो क्षेत्र में अभी जैसे सुनने में आ रहा था कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ेंगे, तो ये जानकारी तो नहीं है कि आपने नामांकन किया है नहीं किया है, लेकिन इस तरीके से एकदम से आप जो है समाजवादी पार्टी का जो दामन थाम लिए हैं, तो इसमें आपको कितना भरोसा नजर आ रहा है? फुल भरोसा नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी का दामन थामने की बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने मेरे कार्य को देखते हुए मुझे पूरे जिले की जिम्मेदारी दी है और मैं उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाऊंगा और पार्टी के